आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं अपने चैनल शिवराम फैमिली ब्लॉग में आप सबका स्वागत करती हूँ। तो आज मैं इस वीडियो में आपको महाराष्ट्रीय स्टाइल मसाला भात बनाने बताऊंगी। तो वीडियो को देखते रहिएगा और अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले। तो पूरा वीडियो देखिए और वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा। एंजॉय द वीडियो। ओम साई राम। मेरा नहाना हो चुका है, अभी मैं पूजा कर रही हूँ। पूजा हो चुकी है तो मैं अपने लिए चाय और बच्चों के लिए मैगी बना रही हूँ। चाय और मैगी दोनों डन हो चुका है तो अभी मैं चाय पीऊँगी, बच्चे नाश्ता करेंगे। तो मेरे साथ आप लोग भी नाश्ता कर लीजिए, चाय पी लीजिए, फिर मिलते हैं आपको। ये सब्ज़ी मैंने रात को ही लाई थी तो अभी धुल के रखा, जैसे रखा मैंने बालकनी में तो बारिश शुरू हो गई और बारिश का पानी पूरा बालकनी तक में आता है तो सब्ज़ी पूरी भीगी है। देखिए सब्ज़ी पूरी भीग गई है, बाद में इसको हटा के मैं रखूँगी अंदर पंखे में। तो चलिए मसाला भात बनाना शुरू करते हैं। पहले कढ़ाई लेंगे, उसमें ज़ीरा और काली मिर्च डाल देंगे। अगर आपको ऑप्शनल है, अगर आपको चाहिए तो आप धनिया भी डाल सकते हैं, लेकिन बच्चों को धनिया नहीं पसंद है इसलिए मैं सिर्फ ज़ीरा और काली मिर्च ही उसको पहले थोड़ा सा रोस्ट करूँगी। ये रोस्ट हो गया, ज़्यादा नहीं है इसलिए मैं इसको सिर्फ इसमें ही डाल रही हूँ, क्या बोलते हैं इसको, खलबट्टा। तो खलबट्टे में इसको थोड़ा सा मैं कूट लूँगी। देखिए धुआं भी निकल रहा है, गरम गरम ही आप कूट लेंगे तो बहुत अच्छे से हो जाता है। क्रश कर लूँगी। उसके बाद कुकर में तेल डालेंगे, एक चम्मच ज़ीरा, थोड़ा तेल गरम हो जाए तो एक चम्मच ज़ीरा और थोड़ा सा इसको होने देते हैं जीरे को। फिर इसमें दालचीनी डाल देंगे और आपको अगर अच्छा लगे तो तेज़पत्ता भी डाल सकते हैं, बट मैं तेज़पत्ता स्किप कर रही हूँ। उसके बाद दो बड़े प्याज आप काट के डाल दीजिए। जब प्याज ब्राउन हो जाए, भून के हम उसको थोड़ा सा ब्राउन कर लेंगे। उसके बाद फिर इसमें हम एक आलू का डालेंगे, एक आलू, एक बड़ा आलू आप डाल सकते हैं। अगर आपको आलू पसंद है तो डालिए, नहीं पसंद है तो मत डालिए, क्योंकि अथर समर्थ आलू खाते हैं इसलिए मैं इसमें डाल रही हूँ। और सब्ज़ी आप अपने हिसाब से कोई भी ले सकते हैं, जो भी सब्ज़ी आपको, शिमला मिर्ची, जो भी पसंद हो, बहुत सारी सब्जियां रहती हैं आप ले सकते हैं। और फिर मैं उसमें मिर्ची डालूंगी। मिर्ची मैं बहुत मोटा मोटा काट के मैंने किया है क्योंकि बच्चों को तीखा पसंद नहीं है तो मैं अपने हिसाब से दिखा रही हूँ। उसमें फिर मैंने थोड़ा सा फ्लावर डाला है, डालेंगे, थोड़ा सा सॉल्टी होने तक हम इसको पकाएँगे।
एक दो मिनट हम इसको ढक के पकाएंगे जिससे वो सब्ज़ी जल्दी से पक जाए। ढक्कन हमने उठा लिया है तो इसमें एक बड़ा टमाटर ऐसे लंबे लंबे पीस में काट के डालेंगे। ये भी थोड़ा सॉल्टी होने तक हम इसको करेंगे और आधा मिनट के लिए इसको भी हम ढक के पकाएंगे। हो गया है, अभी देखिए हमारा सब सब्ज़ी सॉल्टी हो गई है। आप फिर ये जो मैंने स्टार्टिंग में आपको काले मिर्च और ज़ीरा का दिखाया था कूट के, वो मैं डाल रही हूँ। इससे मसाले भात का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, एकदम खिल के आता है मसाला भात और टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है इसका। अब इसमें मैं गरम मसाला डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच। इसको भी थोड़ा सा चला लेंगे। अभी नमक देखिए, मैं इसमें नमक नहीं डालूँगी। देखिए इसका कलर कितना खूबसूरत लग रहा है। ये चावल है, चावल मैंने आधा घंटा धो के रखा था, अब ये चावल मैं इसमें डाल दूंगी। इसको थोड़ा सा चला दूंगी और चावल की क्वांटिटी आप अपने फैमिली के हिसाब से बढ़ा या घटा सकते हैं, बट मेथड सेम रहेगा। तो मेरी फैमिली में सिर्फ 4 ही मेंबर है तो मैं अपने हिसाब से मैं ये दिखा रही हूँ मुझे कितना लगता है। इसको अच्छे से मिला लेंगे। फिर इसमें मैं 2 ग्लास पानी डालूंगी, ये पहला ग्लास पानी, 1 ग्लास पानी और मैं डालूंगी। आपको मैं मेज़र बता देती हूँ, ये जो ग्लास देख रहे हैं इस ग्लास से मैंने 1 ग्लास चावल लिया था तो उसमें 2 ग्लास पानी हमें डालना रहेगा, एकदम परफेक्ट मेज़रमेंट के लिए। नमक मैं अभी डालूँगी, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। इसको थोड़ा सा हिलाएंगे। ये इसमें देखिए मैं बता रही हूँ कि कैसे करना है। ये मसाला भात एकदम अच्छे से अभी हो चुका है, सिर्फ इसमें एक और चीज़ बाकी है जो सबसे अच्छी परफेक्ट मसाला भात जिससे बन के आता है। इसमें 1 बड़ा चम्मच आप घी डालेंगे। देखिए घी पड़ गया है, ये पकने के लिए एकदम रेडी हो चुका है। अभी मैंने कुकर का ढक्कन लगा दिया है, डन हो चुका है। एक सीटी आने तक हम इसको पकाएंगे। सीटी आ चुकी है कुकर में और इसको ठंडा होने के लिए हम रख देंगे। अपने आप जब कुकर की सीटी निकलेगी तब हम इसको खोलेंगे। हमारा मसाला भात बन के एकदम रेडी हो चुका है, देख लीजिए एकदम खिल के आया। वो जो घी मैंने लास्ट में डाला था उससे मसाला भात एकदम खिल के आता है, एकदम परफेक्ट बना है। आप इसको रायते के साथ खा सकते हैं और सूखा भी इसको खा सकते हैं, बट रायते के साथ बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये मसाले भात की रेसिपी मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है। खाना हो गया है हमारा दोपहर का, तो अभी देखिए अथर्व हाय बोल हैं आप सबको, बेडरूम में आ गए हैं अथर्व दोपहर को सोने के लिए। हाय बोल दीजिए आप सब भी अथर्व को, फ्लाइंग किस भी कर रहे हैं। अभी अथर्व समर्थ बेडरूम में पहुंच चुके हैं दोपहर को, समर्थ की क्लास अभी ख़त्म हो चुका है तो ये मेरे पास आए हैं अभी मेरे रूम में, तो ये मुझे थोड़ा सा अपना दिखाएंगे। इनका रिवीजन चालू है एग्ज़ाम का, बस वही मुझे वो दिखा रहे हैं। और 2-3 दिनों से मैंने कपड़े फोल्ड नहीं किए थे, बस ऐसे ही धुल के और रखते जा रही थी, तो आज बहुत सारा ढेर लग गया है कपड़ों का, बस वही मैं देखते देखते बच्चों के साथ कपड़े फोल्ड कर रही हूँ। और मेरे साथ अथर भी कपड़े फोल्ड कराने में हेल्प करते हैं,
वो भी देखिए कपड़े फोल्ड कर रहे हैं। अभी कपड़े डन हो चुके हैं, मैं अभी थोड़ा सा आराम करूँगी। और आप सबको लग रहा होगा कि रूम में इतना अंधेरा क्यों है, तो सुबह आपने देखा होगा कि पूरी बारिश हो रही थी, तो मौसम पूरा क्लाउडी हो रखा है, वो इसलिए एकदम बाहर अंधेरा है, रूम में भी पूरा अंधेरा अंधेरा है। और दिन है तो मैंने लाइट नहीं ऑन की है। थोड़ा सा भी मैं आराम करूँगी बच्चों के साथ, थोड़ी मस्ती भी करूँगी। अतर गुस्सा हो रहा है क्योंकि उनको पूरा कपड़ा फोल्ड करना था, मैंने ले लिया उनसे। मैं अतर को थोड़ी देर के लिए सुला दूंगी। अतर सोते हैं दोपहर को, मैं भी थोड़ा आराम कर लूँगी। समर तो नहीं सोते हैं, वो अपना बैठ के कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो ठीक है, आप लोग भी आराम करिए, बट मेरा वीडियो देखने के बाद आराम करिएगा, उसके पहले मत करिएगा आराम। आप लोग को बुरा तो नहीं लगा, मैं सिर्फ मजाक कर रही थी। तो ठीक है, मैं वीडियो का एंड यहीं पर करती हूँ। तो मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक पर। तब तक के लिए ओम साई राम। आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, अपने आसपास सफाई बना के रखिएगा। बाय।